अगर आप एटीएम इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। इस खबर को मिस ना करें, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके खाते से पैसे कहाँ जा रहे हैं। आप भी जानते हैं कि आप लोगों का खाता जो है वो बैंक में है और बैंक वालों ने आपको जो है वो एटीएम दिए हैं ताकि आप पैसे निकाल सके। लेकिन ये चार बैंक जो है इन्होंने अपने नियम में पैसा निकालने के लिए बदलाव कर दिए हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि SBI है, PNB है, HDFC है और ICICI बैंक है। अगर अब से आप पैसे निकालने जा रहे हैं तो इन्होंने कुछ नियम अपने बदले हैं, यानी कुछ रूल्स में इन्होंने चेंजेस किए हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। लेकिन पहले आपको ये भी बता दें कि होने क्या वाला है। ये हर महीने आपको जो है वो फ्री ट्रांजेक्शन देते हैं, यानी जितने भी बैंक है वो आपको फ्री ट्रांजेक्शन देते हैं। लेकिन अब आपको बता दें, चाहे SBI हो, चाहे PNB हो, HDFC हो या ICICI बैंक हो, ये हर महीने आपको 5 ट्रांजेक्शन जो है वो दे रहा है फ्री में। उसके बाद अगर आप खाते से पैसे निकालेंगे, यानी ATM का इस्तेमाल करके पैसे निकाल रहे हैं, तो आपको पैसे देने होंगे। और कई लोग ये सोचते हैं कि इस महीने उन्होंने 4 ट्रांजेक्शन की है या 3 ट्रांजेक्शन की है, ये 2 ट्रांजेक्शन जो है उनके अगले महीने में काम आ जाएगी। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग से ये वहम निकाल दें, क्योंकि बैंक जो है वो ये कहता है कि अगर एक महीने में 5 ट्रांजेक्शन है, यानी अगस्त का महीना चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, इसमें आपको 5 ट्रांजेक्शन दी है, तो आपको 5 की 5 ही इस महीने करनी है। आप ये सोचेंगे कि मैंने 4 बार या 3 बार पैसे निकाले हैं तो मेरी अभी 2 ट्रांजेक्शन बाकी हैं जो पिछले अगले महीने में डाइवर्ट हो जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन बचती होंगी, अगर आपने 3 या 4 की होंगी, अगर 3 की होंगी तो 2 बचती होंगी, अगर 4 की होंगी तो 1 बचती होगी, तो बैंक इसे 0 कर देता है। फिर अगले महीने से नया हिसाब जो है वो शुरू होता है। अब आप यहाँ पर सुने कि क्या कहा जा रहा है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप यहाँ पर ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी अगर आप 5 से ज्यादा करते हैं और खाते से पैसे निकालना बहुत जरूरी है, एटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको एटीएम विड्रॉल फीस देनी होगी, यानी जो आप पैसे निकाल रहे हैं आपको उसकी फीस देनी होगी। जब आप किसी बैंक में देखते हैं तो उसकी फीस कहीं 10 रुपए है, कहीं 20 है, कहीं 21 है और कहीं 25 है। तो आपको उस खाते से जो पैसे निकलवाने हैं आपको एटीएम चार्जेस जो है वो देने होंगे, जिसे आप आसान भाषा में कहते हैं एटीएम विड्रॉल फीस, वो 21 रुपए आपको जो है वो देने होंगे। और सबसे पहले आप यहाँ पर सुने कि 5 के बाद में कोई भी जो है वो मुफ्त यहाँ पर ट्रांजेक्शन नहीं है। और अगर आप इसमें से इस्तेमाल कर रहे हैं PNB का खाता, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि PNB का जिनके पास ATM है उनके लिए क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले ग्राहकों को ये कहा जा रहा है कि आप 10 रुपए लेन देन होंगे, यानी इसमें जो है वो आप 10 रुपए लेन देन करते थे, लेकिन अब आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ पर जो है गैर मेट्रो सिटी में जो है 5 मुफ्त ट्रांजेक्शन है और मेट्रो सिटीज में जो है 5 फ्री, यानी 5 नहीं है यहाँ पर 3 है, यानी जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं उन्हें 3 ट्रांजेक्शन, और जो नॉन मेट्रो में रहते हैं जहां पर मेट्रो नहीं है उनके लिए 5 है। और यहां पर भी आपको 21 रुपए देने होंगे PNB में, लेकिन वित्त लेन देन के लिए जो है अगर आप इसे थोड़ी ट्रांजेक्शन करते हैं तो 9 रुपए प्लस भी जो है वो जा सकता है। SBI भी यही कह रहा है कि आपको 20 देने हैं, यानी SBI वालों को आपको 20 रुपए देने हैं, और जहां पर पहले आप 10 रुपए दिया करते थे, यानी 10 से SBI ने सीधा 20 पर छलांग लगाई है। और इसमें भी बिल्कुल यही बताया गया है कि 5 ट्रांजेक्शन फ्री है, उसके बाद आपको चार्जेस देने होंगे। ICICI पर आ जाते हैं, मेट्रो जहां पर है, मेट्रो एरियाज है वहां पर 5 और नॉन मेट्रो में 6 जो है वो ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं, और आपको इसके लिए भी 21 रुपए देने हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से दूर दराज के इलाके हैं वहां पर भी जो ATM इंस्टॉल किए जाते हैं वो 8.5 जो है वो काटेंगे, यानी 8.5 कट होगा। आगे HDFC में आ जाते हैं, यहाँ पर भी आपको 21 देने हैं, और यहाँ पर आपको मेट्रो सिटी में 3 और नॉन मेट्रो सिटीज में जो है वो 5 ट्रांजेक्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर भी आपको 21 रुपए ही देने हैं। यानी चाहे खाता हो आपका SBI में, चाहे हो PNB में, चाहे हो HDFC में, चाहे हो ICICI में, सबसे बड़ा ये बताया गया है कि आपको 21 रुपए ही देने हैं। सिर्फ एकमात्र अगर मैं बात करूं तो SBI ऐसा है जिसमें आपको 20 देने हैं, बाकी चाहे PNB हो, ICICI हो या HDFC हो, वहां पर आपको जो 21 रुपए देने हैं। अब अगर आप पैसे निकालने जाते हैं, आप 6 ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करते हैं, तो आपके खाते से 21 रुपए कटेंगे, जबकि हमने खुद भी महसूस किया कभी हमारे खाते से 25 कटते हैं, कभी 15 कटते हैं, जिसे हम कह रहे हैं यहाँ पर कि ATM विड्रॉल फीस है वो। तो ये खबर जो है वो बहुत जरूरी है, कहीं आप लोग ये ना बोल दें कि आपके खाते से पैसे क्यों डिडक्ट हुए, क्योंकि इसका जिस तरह से हिसाब कहें वो आपके ATM में आ जाएगा कि आपके जो ATM चार्जेस कट चुके हैं, लेकिन आप लोग ये सोचेंगे कि ये कहाँ गए हैं, और आप ये शिकायत करते हैं
कि अभी हमारी ट्रांजेक्शन बाकी थी, एक महीने के बाद आपकी सारी ट्रांजेक्शन जो है वो रद्द हो जाती है, और आपको ये भी बता दें कि वो रद्द होने के बाद में अगले महीने से नई ट्रांजेक्शन शुरू होती है। हालांकि इसका समाधान भी निकालने के लिए कंपनीज लगी हैं, लेकिन फिलहाल जो है आपको चार्जेस देने होंगे, आपको कंपनीज का पेट भरना होगा और आपको अपना ही पैसा निकालने के लिए अपने ही पैसे के चार्जेस देने होंगे। खबर बहुत जरूरी है, एटीएम के रिलेटेड है, इसलिए खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग जिनके पास एटीएम है, जिनका खाता किसी बैंक में है और जो एटीएम यूज करते हैं, उस खबर को सुने। साथ ही साथ इस वीडियो के बाद आप अपनी राय रख सकते हैं, वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी लाइक करें।